देखो, रास्ते जो होते हैं, तुम्हारी मंजिलें कह सकते हो, उनको तय करने के दो तरीके होते हैं। मान लो इस बिंदु से इस बिंदु तक जाना है, एक ये ए व्यक्ति है और एक यहाँ पे बी व्यक्ति है। तो दो तरीके हैं। एक तो ये है, जैसे कि मान लो अभी तुम लोग का पेपर टाइम है, बहुत प्रेशर में टेंशन के साथ पढ़ाई करिए डाली। एक ऐसे दूसरे स्टूडेंट हैं, उनकी भी कहानी सुनो। तो यहाँ पर मंजिल तय करने के दो तरीके हैं, ये ज़िंदगी में भी काम आएगा। कि जो ए है, तो इसने सफ़र तय किया अपनी मंजिल तक जाने के लिए, या कह सकते हो तुम्हारे एग्ज़ाम या जो भी तुम्हारा गोल है, लक्ष्य है, उसको तय करने के लिए कि इसने तय किया बस पहुंचना है, और वहीं पहुंचने के बाद हमें खुशी मिलेगी। उसने इस टेंशन में ये पूरा सफ़र तय किया और यहाँ पे पहुंच गया। पहुंचने के बाद देखा कि इसने सफ़र का कोई अनुभव नहीं लिया, लेकिन ये जो बी था, इसने देखा जब ये सफ़र तय कर रहा था तो इधर के भी नज़ारे देखे, इधर भी देखा, इधर भी देखा, हर एक चीज़, यानी जो भी सफ़र तय किया उसने हरियाली वगैरह हर एक चीज़ देखी। और उसके बाद ये भी क्या है, अपनी मंजिल तक गया। लेकिन ये अपनी मंजिल तक गया, इसने साथ में सफ़र के भी आनंद उठाए। कहने का मतलब ये है कि तुम अपनी मंजिल तक जाओ, लेकिन ये जो लाइफ तुम्हारी है, ये जो मंथ हैं, इनको इस तरह ना पढ़ो कि ये तुम्हारे लिए टेंशन बन जाए, और बाद में अगर पीछे मुड़ के देखो तो ऐसा ना महसूस हो कि ये ज़िंदगी के कुछ पल हमारे बेकार चले गए, स्ट्रेस में चले गए, प्रेशर में चले गए। ठीक है, तो तुम्हें क्या करना है, जो भी पढ़ाई तैयारी, जो भी लक्ष्य है आपका, उनको पूरा करो, लेकिन अपने सफ़र में इंटरटेनमेंट के साथ करो। ठीक है, इन्जॉयमेंट के साथ करो, अपनी पढ़ाई करने इन्जॉयमेंट के साथ करो। तो इससे क्या है, लाइफ हैप्पी बनी रहेगी। वरना तुम्हारे लिए अभी टेंथ है, टेंथ में लक्ष्य बनाया, उसके बाद ट्वेल्थ आ जाएगा, उसमें भी कुछ गोल होगा, तो इलेवन ट्वेल्थ ये भी टेंशन में चला जाएगा। उसके बाद ग्रेजुएशन आएगा, उसमें भी क्या करोगे, वो भी तुम्हारा इसी तरह टेंशन में, इसी तरह पूरी ज़िंदगी क्या है, टेंशन में निकल जाएगी। तो तुम्हें करना क्या है, जो भी तुम्हारा गोल है, लक्ष्य है, उस तक पहुँचने के लिए तुम्हें इंटरटेनमेंट के साथ उसको, इंटरटेनमेंट कहने का मतलब ये है कि सुखद अनुभव के साथ अपने कामों को करो। ठीक है, ना कि कोई टेंशन से। हालांकि ज़िंदगी है, उतार चढ़ाव तो आएंगे, हैप्पीनेस और टेंशन तो आएगी, लेकिन इस सफ़र में अगर आनंद ढूंढ पाते हो तो बहुत अच्छी बात है।